ये भगवान शिव की एक प्राचीन और अनमोल मूर्ति है, जिसे बहुत बार डाकुओं ने चुराने की कोशिश की, लेकिन इस मूर्ति की पहरेदार एक नागिन है जो 100 साल से इस शिव मूर्ति की रक्षा कर रही है। डाकुओं की हर कोशिश पर यह नागिन अपनी बला की तेजी से बिजली की तरह टूट पड़ती है और उन्हें मौत के घाट उतार देती है। शायद इसीलिए इसे बिजली के नाम से पुकारा जाता है। क्या भगवान शिव उसकी 100 साल की सेवा से प्रसन्न होकर आने वाली महाशिवरात्रि को उसे इच्छाधारी शक्ति प्रदान करेंगे? क्या बिजली पर सुख के बादल छाएंगे? भोलेनाथ को भोग लगा दिया है ना, अब भोजन लगाऊं? हाँ हाँ, लेकिन पहले बिजली बेटी को दूध पिलाए कि नहीं? भला जो प्रथा हमारी पीढ़ियों से चली आ रही है, उसे भला मैं कैसे भुला सकती हूँ? वो तो हम सबके जिगर का टुकड़ा है। बेचारी 100 साल से रेंग रेंग कर इस मंदिर की रक्षा कर रही है। परसों महाशिवरात्रि है, तुम्हें उसे बड़े शिवालय ले जाना होगा। भोलेनाथ उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे जरूर इच्छाधारी शक्ति प्रदान करेंगे। तो क्या परसों बिजली बेटी हमें छोड़कर चली जाएगी? बेटियां तो होती ही है पराया धन, अब तो उसको छोड़कर जीने का आदि होना ही पड़ेगा। बिजली, जा बेटी, अब जाके सो जा। कल तुझे महाशिवालय ले जाना है। ठाकुर! वाह यमराज, तुम! ये खुशखबरी, अपने विदेशी ग्राहक ने शिव मूर्ति की फोटो पसंद कर ली है और सौदा 1 करोड़ में तय हुआ है। अब मूर्ति लाने का काम तुम्हारा और प्लान हम तुम्हें बता देते हैं। मोफतलाल फोकटलाल! आ, 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 आ,
जी साले साहब। नक्शा लाओ। यमराज डरने की कोई बात नहीं। नागिन बिजली को पुजारी बड़े शिवालय ले गई है। लीजिए ले आया। अरे बेवकूफ, बक्शा नहीं नक्शा मंगवाया था। साले साहब ये तो बहरा है, मैं अभी लेकर आया। क्या कह रहा है? हाँ, मंदिर में तब जाना जब वहां कोई ना हो, और अगर पुजारी बीच में आए तो उसका काम तमाम कर देना। ठाकुर, मेरा नाम यमराज सिंह है। मैं जहां भी जाता हूं मौत की तरह छा जाता हूं। लेकर आया क्या? रिक्शा बाहर खड़ी है। अबे मैंने रिक्शा नहीं नक्शा बोला था। गधे कहेंगे। भिक्षा मिली तेरे को कहां से? साले साहब जा रहे हैं ना बाहर, सब लोग खा रहे हैं बाहर। चार रुपए में एक किलोमीटर है। सस्ता है, सस्ता है दूध, चार रुपए का एक लीटर। वाह वाह, अपन दोनों मिलकर पियेंगे, खूब मजे उड़ाएंगे। साले साहब अकेले जाएंगे। हाँ तो मेरे को एक ही लीटर चाहिए ना। हाँ तो एक ही रिक्शा है ना। ठाकुर, तुमने इन दो गधों को अपने साथ क्यों बांध रखा है? अब क्या कहूँ यमराज, अपनी दोनों बहरी बहनों के लिए रिश्ता नहीं मिल रहा था, बड़ी मुश्किल से ये दोनों बहरे भाई मिले हैं, तब से ये नाटक मंडली शुरू है। तो इनको हकालते क्यों नहीं हो? क्या कह रहे हैं साले जी? अरे सह रहे हैं तो सहने दो, साले को जीजा जी की सहनी पड़ती है। खामोश! मैं कहता कुछ हूँ और तुम सुनते कुछ हो। गधे कहेंगे, बहरे कहेंगे। हमें बहरा भगवान ने बनाया है और तुम भगवान के काम में नुक्स निकालते हो। दोनों को मार दूंगा। उधार दूंगा, नगद दे दो ना। नगद दे दो। कहीं साले साहब ने नक्शा तो नहीं मंगवाया था? डाकू यमराज, तुम्हारे यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? तू यहाँ आने की बात कर रहा है, मैं तो तुझे यहाँ से भेजने का प्रबंध करके आया हूँ। चल दरवाजा खोल। नहीं, मैं किसी कीमत पर दरवाजा नहीं खोलूंगा। हट ना, ना, ना। अरे पापी, भोलेनाथ को कहाँ लिए जा रहा है? अरे पुजारी, तो कितना भोला है रे, ये भी नहीं जानता कि भोलेनाथ विदेश यात्रा पे जा रहे हैं। याद रखना रे यमराज, जिसे तू ले जा रहा है वही एक दिन तेरी मौत का कारण बनेगा। मेरा नाम यमराज है, मैं दूसरों को मौत देता हूँ, खुद कभी नहीं मरता। यमराज जहाँ भी जाता है मौत बन के छा जाता है। क्या पदम, पुजारी को मौत की नींद सुला के अड्डे में आ जाना।
स्वामी स्वामी, अरे ये यहाँ सो रहे हैं। अरे मूर्ति कहाँ गई? अरे मूर्ति कौन उठा के ले गया? आप यहाँ सो रहे हैं स्वामी, आप बोलते क्यों नहीं स्वामी? क्या हुआ माई? बाबा, बाबा इन्हें सांप ने काटा है और मंदिर से कोई मूर्ति भी चुरा के ले गया है। माता के दरबार में देर है, अंधेर नहीं। जीती रहो। जन्म नहीं दिया, वरना एक माँ अपनी बेटी से पूछती कि तू कौन है। बिजली बेटी? हाँ माँ, भगवान भोलेनाथ की कृपा से मुझे इच्छाधारी बनने की शक्ति और नागमणि मिली है। बेटी, एक तरफ भोले बाबा ने तुझे इच्छाधारी शक्ति और मणि दी और दूसरी तरफ तेरे माँ का सुहाग छीन लिया। नहीं माँ, ऐसा नहीं होगा। माँ, बाबा को पद्मनाग ने डसा है, मैं अभी इसका जहर चूसती हूँ। नसों का सारा जहर चूस लिया है, मगर थोड़ा सा जहर बापू के दिमाग में चढ़ गया है, इसलिए ये अर्ध जीवित है। बेटी, तो क्या ये सारा जीवन मूर्छित पड़े रहेंगे? नहीं माँ, करवा चौथ के दिन मेरी मणि में इतनी शक्ति आ जाएगी कि उसके छूटे ही बापू जीवित हो जाएंगे। माँ, तुम्हारा सुहाग जिंदा है,
तुम अभी सुहागिन हो माँ? लुटेरो, अब मैं तुम्हें तुम्हारे ही तरीके से मारूंगी। तुम क्या समझते हो, तुमने बिजली की माँ को विधवा बना दिया? अरे जालिमो, इस इच्छाधारी नागिन की माँ सुहागन थी, सुहागन है और सुहागन ही रहेगी। यही रुक जाओ, कुछ दिनों की तरह कहां छुपा बैठा है यमराज? बिजली तेरी मौत बनकर आई है, बाहर निकल। ऐ लुखे, देख तो अपनी मौत को कौन आवाज दे रहा है। सरदार, ये डाकू बिजली है, सुना है सर पर दुपट्टा नहीं कफन बांध के आती है। हमारा नाम भी डाकू यमराज सिंह है, हम जहां भी जाते हैं मौत बन के छा जाते हैं। ए बिजली, अरे क्यों अपनी नन्ही सी खूबसूरत जान लेकर यहाँ आई है? जा, चली जा, नहीं तो जल के भस्म हो जाएगी। तू क्या जलाएगा, बिजली खुद ही आग है, तुझे जलाकर राख कर देगी। अभी साथ को, वाह भाई वाह, जियो खूब जियो। मरे वाह ठाकुर साहब, अब आप औंधे लेटिए, अब आपकी पेट की मालिश होगी। वाह भाई मौजी खान वाह। नहीं मौजी खान, हम औंधे नहीं होंगे, ऐसे ही मालिश करो। औंधे तो हम हो गए ठाकुर। अरे ऐसी कौन सी ताकत है जिसने यमराज सिंह को औंधा कर दिया? बिजली नाम है उसका, उसने हमें हमारे इलाके में खदेड़ दिया। लगता है तुम्हारे पास हिजड़ों की फौज है जो 5 फुट की लौंडिया से डर गए। ठाकुर, वो सिर्फ नाम की बिजली नहीं, असली बिजली है। उसकी हिम्मत का कद उसके जिस्मानी कद से कहीं ऊंचा है। दुश्मन की तारीफ केवल बुजदिली किया करते हैं। चाहे जब यमराज, उस लौंडिया को खत्म कर दो, चाहे ताकत से या फिर मक्कारी से। रुक
रोको रोको, रुक जाओ उधर, रुक जाओ, रुको। हाँ चलो दरवाजा खोलो, बाहर निकलो, गाड़ी चेक करनी है। अरे 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 रुको, बादल के तारे मेरे जान ले इशारे आ जावे तेरे प्यार की प्यासी है जवानी मेरी वे मुंडिया जवानी मेरी वे मुंडिया हाय हाय जवानी मेरी वे मुंडिया आ जाना जवानी मेरी वे मुंडिया मेरे माही जवानी मेरी वे मुंडिया आय शाबा जवानी मेरी वे मुंडिया जन्म मेरी जवानी मेरी वे मुंडिया हाय हाय जवानी मेरी वे मुंडिया आ जाना जवानी मेरी वे मुंडिया मेरी माही जवानी मेरी वे मुंडिया बेटा
हमका ऐसा ना देखा थानेदार बाबू, हमका लाज लागत है। लाज तो उसको लगे जिसका चेहरा देखने लायक ना हो। तुम तो इतनी सुंदर हो कि जी चाहता है तुम्हें देखते ही रहे। हाय दैया, थानेदार बाबू तुम बातें तो बहुत सुंदर करत हो, का नाम है तुहार? बादल। बादल? तुहार माँ बाप ने तुहार नाम गलत रखा है, तुहार नाम बादल नहीं चांद होना चाहिए। वो क्यों? सो यूं कि बादल काला होता है और तुम अच्छा ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम कजरी है। तुम्हारा नाम कजरी नहीं पांसुरी होना चाहिए था, क्योंकि तुम जब बोलती हो तो पांसुरी के सुर बजने लगते हैं और जब गाती हो तो लगता है दूर कहीं बंजारा पांसुरी बजा रहा है। सुनो, तुम यहाँ रोज आती हो? हम तो का ही बताए कि हम यहाँ रोज आते हैं। अगर हम बताए दे तो तुम यहाँ रोज आओगे, है ना? अच्छा अगर मैं कहूँ कि नहीं आऊंगा तो? हम तो का बुलाए ले। वो कैसे? कैसे? गाना गाकर। नमस्ते एसपी साहब। आइए आइए ठाकुर साहब, कहिए कैसे आना हुआ? एसपी साहब, हमारे इलाके में कोई एक बिजली नाम की डाकू पैदा हो गई है जो आए दिन लूटमार करती रहती है, हम लोगों का जीना हराम कर दिया है उसने। बिजली? खैर आप चिंता ना कीजिए ठाकुर साहब, आज ही मेरे पास एक नया और निहायत काबिल इंस्पेक्टर रिपोर्ट करने आ रहा है, यह डाकू बिजली वाला केस मैं उसे सौंप दूंगा। थैंक यू एसपी साहब। बाबू बाबू ये कौन है? थानेदार साहब है बेटा। ये थानेदार साहब क्या होता है? डाकुओं और चोरों को पकड़ते हैं। तो हमारे भगवान की मूर्ति चुराने वाले डाकुओं को क्यों नहीं पकड़ा? बेटे आज मैं उसी डाकू को पकड़ने के लिए यहाँ पर आया हूँ। हाँ तो सरपंच साहब, डाकू बिजली ने कब और किस दिन मंदिर से मूर्ति चुराई? बिजली डाकू नहीं है, हम गाँव वाले तो उसे देवी की तरह पूजते हैं, वो हम गरीबों की मदद करती है। अच्छा लेकिन वो रहती कहाँ पर है, उसका अड्डा कहाँ है? आप अड्डे की बात कर रहे हैं, गांव में उसे किसी ने देखा तक नहीं। देखा तक नहीं? फिर तुम गांव वालों की मदद कैसे करती है? वो बस सरकार जिसको जो चाहिए उसे वो मिल जाता है। जब तुम गांव वालों ने उसे देखा तक नहीं तो हो सकता है मूर्ति उसी ने चुराई हो। नहीं थानेदार साहब, मूर्ति चुराने वाला डाकू यमराज है। तो आपने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? रिपोर्ट लिखने से क्या फायदा, आज तक आपकी पुलिस ने किया ही क्या है? 10 साल पहले एक थानेदार साहब आए थे, अब आप आए हैं। इस बीच जो बच्चे पैदा हुए हैं वो तो ये भी नहीं जानते कि थानेदार और पुलिस क्या होती है। ठीक है, अब तक जो हुआ वो आगे नहीं होगा। ये कौन है? मंदिर के पुजारी हैं। पुजारी की ऐसी हालत किसने की? डाकू यमराज ने। अब आप लोग फिक्र मत कीजिए, अब यमराज कानून के धर्मराज के सामने अपने गुनाहों का हिसाब किताब देगा, ये इंस्पेक्टर बादल का वादा है। ये क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर बादल? मैं ठीक कह रहा हूँ सर, जिसे आप डाकू कह रहे हैं वो गांव वालों के दिल में देवी बन के जी रही है। सर असल डाकू यमराज सिंह, जिसने शिव मंदिर से मूर्ति चुराई और पुजारी को नाक से डसवाया। सर पुजारी की अधमरी लाश मंदिर में है और गांव वाले करवा चौथ का इंतजार कर रहे हैं, उस दिन पुजारी की बेटी इच्छाधारी नागिन उसे अपनी नागमणि से जीवन दान देगी। बच्चों को परियों की कहानी सुनाकर बहलाया जाता है और बड़ों को इच्छाधारी नागिन की। ये कहानी नहीं है सर, हकीकत है।
और गांव वालों का विश्वास। कहानी छोड़ो और अपनी ड्यूटी निभाओ। तुम्हें डाकू बिजली को गिरफ्तार करने के लिए कहा गया है, उसे गिरफ्तार करो। वो देवी है या मुजरिम, इसका फैसला अदालत करेगी। सर, को बिजली बिजली से झगड़ा लिया है इंस्पेक्टर, ये जानते हुए भी कि बिजली बादल का सीना चीर कर निकल जाती है। गलत कर रही हो बिजली। बिजली बादल के दायरे में चमकती है, बादल के दायरे से बाहर नहीं जा सकती, और आज तुम भी बाहर नहीं जा सकोगी। ये बिजली और बादल का मुकाबला है, कोई बीच में नहीं आएगा। तुझे मानने को मेरा जी नहीं चाहता, क्योंकि तू नौजवान है। तेरी उम्र सहरा बांधकर घोड़ी पर बैठने की है, कफन ओढ़कर अर्थी पर लेटी की नहीं। बिजली, मुझे भीख पर दी हुई जिंदगी नहीं चाहिए। चलाओ गोली, मार दो मुझे। किल मी, किल मी। ये भीख नहीं, मोहब्बत का सदका है इंस्पेक्टर। धीरे चलाओ थानेदार बाबू, हमार कलेजवा धक धक करत है। अरे तुम कब पीछा कर बैठ गई? तो होश नहीं थानेदार बाबू, हम कब तुहार फटफटिया पर आकर बैठ गए। अरे ये तो फटफटिया है, हम तो तुहार दिल में भी आके बैठ गए। दिल से तो निकाल दूंगा, पहले जरा मोटरसाइकिल से उतरो। हम नहीं उतरेंगे, चाहे हमका थाने में बंद कर दो, जेल भिजवा दो, या हथकड़ियां पहनवा दो, जो चाहे कर लो। अब छोड़ो ना नौकरीबाजी थानेदार बाबू, लात मारो ना। क्या लात मारो? हमार मतलब है तोहर फटफटिया चलाओ ना। तेरी बाहों में चंचल एक
सोचने की बात है, प्यार का बादल तेरे कदमों में तेरे साथ है, प्यार का बादल तेरे कदमों में तेरे साथ है। आज सीने से लगा है, आज सीने से लगा। मुझको दुनिया से नहीं, चाहत से तेरी काम है, प्यार में गुजरे वही तो जिंदगी का नाम है। तू है मेरी जिंदगी, तू प्यार का एहसास है, चीज तेरे पास है। आज सीने से लगा क्या सोचने की बात है, जब तेरी बाहों में चंचल एक हसीना साथ है, जब तेरी बाहों में चंचल एक हसीना साथ है। आज सीने से लगा क्या सोचने की बात है, आज सीने से लगा क्या सोचने की बात है, प्यार का बादल तेरे कदमों में तेरे साथ है, प्यार का बादल तेरे कदमों में तेरे साथ है। आज सीने से लगा, आज सीने से लगा, ओ आज सीने से लगा, जसीने से लगा, जसीने से लगा। यमराज, करवा चौथ का दिन अगर पुजारी को होश आ गया तो हम सब जेल के अंदर होंगे। तुम बस की फिक्र मत करो ठाकुर, ¶¶
मुझे मालूम था कि कमीना ठाकुर और यमराज अपने जुर्म के सबूत को खत्म करने की कोशिश करेंगे, इसीलिए मैं हर रात बापू के आसपास पहरा देती रहती हूँ। नमस्ते, आइए आइए ठाकुर साहब, बैठिए। शुक्रिया। फरमाइए। जाइए, कमाल है, अभी तो ठाकुर साहब आके बैठे हैं और आप कह रहे हैं कि जाइए। ये कौन है? इसका नाम जॉन नहीं है, इसका नाम फोगटलाल, मैं इसका भाई मुफतलाल। अच्छा अच्छा, मुफत और फोकट है। मतलब फ्री फंड। लुबनाया। खामोश। खरगोश, हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं है कि आपके लिए जंगल में जाकर खरगोश पकड़ लाएं। आपको अगर कुछ पालना ही है तो चूहा पालिए, उल्लू पालिए, सांप पालिए, गधा पालिए। वैसे आपको कुछ पालने की जरूरत ही क्या है? आपने हमें तो पाल ही रखा है। ओफो, ये क्या जानवरों की बातें शुरू कर दी है तुम लोगों ने? ये पुलिस स्टेशन है, कोई चिड़ियाघर नहीं है। किसका सर नहीं है? है तो आप बाहर जाइए। क्या खाइए? मैं कह रहा हूँ बाहर जाइए। ठाकुर साहब, एसपी साहब, माफ कीजिएगा एसपी साहब, ये दोनों मेरे जीजा हैं, दोनों ही बहरे हैं। बहरे? जी। अगर ये बहरे हैं तो इन्होंने जाने की बात कैसे सुन ली? सुना कुछ नहीं, इशारा समझते हैं। ओ एसपी साहब, लोग पुलिस स्टेशन में बदमाशों की शिकायत लेके आते हैं, हम पुलिस की शिकायत लाए हैं। पुलिस की? वो आपका नया इंस्पेक्टर, क्या नाम उसका? बादल। हाँ बादल, आजकल वो डाकू बिजली से इश्क कर रहे हैं। जवानी में ऐसी हरकतें सभी लोग करते हैं, लेकिन एक जिम्मेदार ऑफिसर को अपने फर्ज का भी ख्याल रखना चाहिए, है ना? कोई सबूत है आपके पास? सबूत? बिना सबूत के ठाकुर कोई काम नहीं करता एसपी साहब, ये रहे सबूत। कहिए ठाकुर साहब, डाकू बिजली की एक फोटोग्राफ मुझे पत्रकार ने भी भेजी है। ठीक है ठाकुर साहब, मैं उसे उसकी ड्यूटी याद दिला दूंगा। शुक्रिया एसपी साहब। एक्सक्यूज मी ठाकुर साहब। यस। आप डाकू यमराज को जानते हैं? कौन यमराज? मैं किसी यमराज को नहीं जानता। यह सब क्या है इंस्पेक्टर? जानते हो तुम्हारी इन हरकतों ने पुलिस डिपार्टमेंट पर कितना बड़ा धब्बा लगाया है? सर, मोहब्बत करना कोई जुर्म नहीं, मैंने कजरी से सिर्फ मोहब्बत की है, ऐसी कोई हरकत नहीं जिसकी वजह से डिपार्टमेंट पर कोई धब्बा लगे। तुम्हारी मोहब्बत किसी कजरी से होती तो मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन तुमने मोहब्बत की है डाकू बिजली से। डाकू बिजली? ये भोली भाली मासूम लड़की डाकू बिजली? नहीं सर, ये तो मेरी कजनी है। तुमने तस्वीर का सिर्फ एक रुख देखा है, दूसरा रुख मैं दिखाता हूं। ये देखो, इतना बड़ा धोखा। आप मुझ पर विश्वास कीजिए सर, पुलिस की वर्दी पहनते वक्त जो कसम मैंने खाई थी
उससे पीछे नहीं हटूंगा। जिन हाथों से मैंने कजरी उर्फ डाकू बिजली से प्यार किया है, उन्हीं हाथों से उसे गिरफ्तार करके बहुत जल्द कानून के हवाले कर दूंगा। तो ये है तेरी असलियत, मोहब्बत की आड़ लेकर तू मेरे जज्बात से खेली, मुझे फर्ज की राह से बहकाया। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि वर्दी पर आंच आने से पहले मेरी आंखें खुल गई। अपने आप को कानून के हवाले कर दे, मैं तुझे गिरफ्तार करने आया हूँ। बादल, असलियत क्या है ये मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। मैंने तुमसे प्यार किया है, कोई धोखा नहीं। सिर्फ मुझे कुछ वक्त दे दो ताकि मैं अपने दुश्मनों से बदला ले सकूं। उसके बाद मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दूंगी। फिर चाहे तो मुझे प्यार दो या हथकड़ियां पहना दो। मुजरिमों को प्यार नहीं, हवालात में बंद किया जाता डाकू बिजली। मुझे अफसोस है इंस्पेक्टर कि मेरा इंतकाम अभी पूरा नहीं हुआ और तुमने मुझे गिरफ्तार कर लिया। ये तुमने अच्छा नहीं किया इंस्पेक्टर बादल, ये तुमने अच्छा नहीं किया। शट अप! क्या अच्छा और क्या बुरा ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ये अच्छा किया ठाकुर तुमने, इन दोनों के होठों पे पट्टी बांध दी। आज किसकी मौत का हुक्म लेके आए हो? अरे मौत का हुक्म तो देने आया हूँ और साथ साथ ये कहने आया हूँ कि तुम अपनी अर्थी तैयार रखो। क्या मतलब? अरे वो तुम्हारे मंदिर की चोरी और वो पुजारी को मारने की खबर एसपी तक पहुँच गई है और वो इंस्पेक्टर बादल हम दोनों के खिलाफ कुछ ऐसा प्लान बना रहा है कि अगर हम लोगों ने उस पे लगाम न लगाई तो वो दिन दूर नहीं जब हम सबको सलाखों के पीछे होना पड़ेगा। अब हमें क्या करना चाहिए? यहाँ से 20 किलोमीटर दूर भगतपुर गाँव में इंस्पेक्टर बादल के माँ बाप रहते हैं, जाकर उन्हें खत्म करवा दो। और इधर मैं अफवाह फैला देता हूँ कि बिजली ने उन्हें मार डाला। इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। इंस्पेक्टर हमें भूल के डाकू बिजली के पीछे पड़ जाएगा। साहब अभी खबर आई है कि डाकू बिजली ने आपके माँ बाप को मार दिया। क्या डाकू बिजली? बिजली, मैं इन चिताओं की कसम खा के कहता हूँ मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। Thank you.
बिजली, मैंने तुझे गिरफ्तार करके अपना फर्ज पूरा किया, लेकिन तुमने तुमने मेरे बूढ़े माँ बाप को मारकर कौन सा फर्ज अदा किया? अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हैरान होने की कोई बात नहीं है बादल, मैं नागिन हूँ, इच्छाधारी नागिन। इच्छाधारी नागिन? हाँ बादल, इच्छाधारी नागिन जिससे भी प्यार करती है उसके लिए अपनी जान भी दे सकती है। तुम अपने माँ बाप के कातिलों को देखना चाहते हो ना? मैं दिखाती हूँ, सिर्फ सूरज ढलने का इंतजार करना। यमराज सिंह, अब मैं तेरे लिए यमराज बनूंगा। मुझे भी यमराज से कई हिसाब किताब करने हैं। यमराज ने मेरे बाबू को डसवाकर भोलेनाथ की मूर्ति चुराई। यमराज ठाकुर की चांडाल चौकड़ी की एक कड़ी है। मुझे माफ करना बिजली, मैं तुम्हें ही गलत समझ बैठा। तुम कभी बिजली, कभी कजरी, तो कभी इच्छाधारी नागिन, आखिर तुम्हारे कितने रूप हैं? तुम्हारे लिए तो बस एक ही रूप है, तुम्हारी प्रेमिका। मुझे बड़ा अफसोस है बादल कि जिस डाकू बिजली ने तुम्हारे मां बाप का कत्ल किया, तुमने उससे मिलना अभी तक नहीं छोड़ा। मैं चाहूं तो तुम्हें अभी गिरफ्तार कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारे ब्राइट रिकॉर्ड को देखते हुए मैं सिर्फ तुम्हें डिसमिस करता हूं अभी और इसी वक्त। थैंक यू वेरी मच सर, आपने मेरे जिस्म से वर्दी की वो जंजीर उखाड़ दी जो मेरे इंतकाम की आग को जकड़े हुए थी। थैंक यू सर। बादल, इंतकाम की आग हम दोनों के सीने में बराबर सुलग रही है। बस अब हमें इस इंतकाम की आग को दुश्मनों की चिता की आग में बदलना है। सीओ, किसको सीओ? सिलित हुई है। इसको कान में डालो। किस में डालो? इसको कान में डालो। इंस्पेक्टर, आहिस्ता बोलो। क्या? इंस्पेक्टर इतनी ऊंची उड़ान उड़ रहा था, एक ही झटके में नीचे गिरा। वो तो ठीक है साले साहब, लेकिन उस इच्छाधारी नागिन का क्या करेंगे आप? अरे मुफतलाल, तुम नागिन की बात कर रहे हो और मैं उसकी नागमणी निकाल कर उसे कफन पहनाने की सोच रहा हूँ। साले जी, मैंने एक सपेरा बुलाया है जो उस इच्छाधारी नागिन को बस में करके आपके गले में पहनाएगा। तुमने सपेरे को बुलाया और मैंने नागिन। नागिन, घबराओ मत, ये डसने वाली नागिन नहीं, ये बाहों में बसने वाली नागिन है। नाम है जमीला बानो। जमीला बानो।
से हुई मैं 17 बरस की आफत में ये जान है। तेरे रूप का दीवाना तो सारा हिंदुस्तान है, सारा हिंदुस्तान है। हाँ, जब से हुई मैं 17 बरस की आफत में जान है। तेरे रूप का दीवाना तो सारा हिंदुस्तान है, सारा हिंदुस्तान है। बोली बोली क्या होगी होगी बंदूक की गोली। दिल की बातें तू क्या जाने, तू तो बेईमान है। तेरे रूप का दीवाना तो सारा हिंदुस्तान है, तेरे रूप का दीवाना तो सारा हिंदुस्तान है, सारा हिंदुस्तान है। दीवाना तो सारा हिंदुस्तान है, तेरे रूप का दीवाना तो सारा हिंदुस्तान है, सारा हिंदुस्तान है। किस किस को तू दिल देगी, सब लोग है मरने वाले। मुझको पहचान है। तेरे रूप का दीवाना तो सारा हिंदुस्तान है, तेरे रूप का दीवाना तो सारा हिंदुस्तान है, सारा हिंदुस्तान है। जब से हुई आफत में जान है। तेरे रूप का दीवाना तो सारा हिंदुस्तान है, सारा हिंदुस्तान है। Oh, my God.
जाने रहोगे, जाने रहोगे। बजाता वक्त पर अगर ना बीन, डस कर वो नागन हसीन, ले लेती तुम्हारे प्राण छीन। जान बचाने का बहुत बहुत शुक्रिया सपेरे जी। जान बचाने का बहुत बहुत शुक्रिया से काम नहीं चलेगा लुटेरे जी, मैंने बचाई है तुम्हारी जान, कुछ तो सोचो मेहरबान। मैंने दिखाया बीन का कमाल, कर दिया नागिन को निढाल, उल्टी कर दी उसकी चाल, इसी बात पर निकालो माल। ये लो। अब इस नागिन से बचने का कोई उपाय बताओ। मेरे आगे आगे आओ, मुझे वो स्थान दिखाओ जहाँ पे वो थानेदार करता है उससे प्यार। मैं डालूंगा उस पे ऐसा जाल, इसी बात पर निकालो थोड़ा माल। ये जान बजाने का एक मिनट, एक मिनट, एक एक और। ये जान बजाने का उपाय का एक मिनट, एक मिनट, एक और। ये नागिन को मारने का एक काम करते हैं, काम करते हैं। ये सब मुझे दे दो, आगे क्या करना है उसकी लिस्ट बनाकर मैं आपको दे दूंगा। गड़बड़ घोटाला, यह है गड़बड़। गड़बड़ घोटाला, यह है गड़बड़ घोटाला, गड़बड़ घोटाला, गड़बड़ घोटाला। पकड़ लिया, पकड़ लिया। धुआं, ये लकीर साफ ये कहती है कि ये नागन यहीं कहीं रहती है, यहीं कहीं है उसका डेरा। समझ गया है बांका सपेरा, लंबी तान के सोया लुटेरा। बाकी अब काम है मेरा, अब ना गलेगी उसकी दाल, इसकी बात पर निकाल लो माल। अभी दो बार पहले दे चुका हूँ, पहली बार जान बचाने का, दूसरी बार जान बचाने के उपाय का, और ये नागिन को मारने का एडवांस का। अरे शिकारपुर का समझ रखा है मुझे क्या है? शिकारपुर के नए घर यार, तो बन जाओ शिकारपुर ये एक बार, नहीं तो हो जाओगे उसके शिकार और नागिन देगी तुम्हें मार। लगता है तू मेरा खजाना खाली करने पे तुल गया है। चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी ना घटियो नीर, जान बचाने के लिए बन जाओ यार फकीर। जान गई तो धन तेरा आएगा किस काम, जान है तो जहान है कह गए दाता राम। जाएगा जब जहां से कुछ ना होगा पास, दो गज कफन का टुकड़ा बच्चे होगा तेरा लिबास। किधर गया ये सुनकर भाग क्यों जाता है माया के चक्कर में, जाएगा कहां? ओम नमः शिवाय।
वाले साहब ने पता नहीं कैसी गाड़ी लेकर दी है, जब देखो जहाँ देखो बंद पड़ जाती है। अरे रोको भाई रोको, मेरी बंद हो गई है, मेरी बंद हो गई है गाड़ी बंद। ओ, अपनी आवाज सुनाई नहीं देती। रोको भाई रोको रोको रोको, देखो बंद हो गई है, रोको रोको रोको। कौन है उधर, कौन है, कौन है? देखने में तो अच्छी है, देखो साथ छोड़ दे। मैडम क्या आप मुझे शहर तक छोड़ सकती हैं? मेरी बंद हो गई है। लगता है मेरी खुल गई किस्मत। मेरी बंद है तो क्या हुआ, लड़की की तो चालू है। क्या मैं अपने मेहरबान का नाम जान सकता हूँ? किटी। पिटी? कहाँ पिटी? कैसे पिटी? कहाँ लगी? देखिए। किटी, किटी। ओह किटी, किटी। What a beautiful name। बंदे का नाम मुफतलाल है। आप इसे प्यार से फ्री फंड भी कह सकती हैं। फ्री फॉर ऑल। फनी, गुड नेम। क्या लेना पसंद करेंगे आप? जी मैं समझा नहीं। जी मैं मर्दों की मनपसंद चीज की बात कर रही हूँ। आपके पैरों के पास बोतल पड़ी है, सोडा पानी नहीं। कोई बात नहीं मैडम, I love to have neat whiskey and I love neat and clean girls like you। आप? जी शुक्रिया, शराब का नशा मुझ पर असर नहीं करता। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर वैसे ही बहुत नशा है, मौत का नशा। तुम बिजली हो जो मिला बनो नागिन। क्या बात है बाबू? क्या कहा श्रीराम लागू? क्या बात है बबुआ, बहुत घबराए हुआ है? ओ किटी पिटी बिजली जमीला मानो सांप, एक इच्छाधारी नागिन मेरे पीछे पड़ी है। वो पल पल भेष बदलती है, कभी कुछ बनती है कभी कुछ बनती है। ये कौन बड़ी बात है बबुआ, ये तो हम भी कर सकते हैं। कैसे? लगता है आपको बिना पिए ही नशा हो गया। किटी, समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है। पहले आपकी आवाज बदली, फिर आपकी आंखें बदली और फिर आपकी शक्ल ही बदल गई। जमीला बनो यानी कि नागिन। पिछली मुझे माफ कर दे, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब किया कराया मेरे साले और ये मराज गए, उनको मैं छोड़ना। मुझे माफ कर दे बिजली। देख देख बिजली, अगर आज मेरी गाड़ी सड़क पे बंद नहीं होती तो आज मेरी बंद नहीं होती, आज मेरी बंद नहीं होती, मेरी बंद, मेरी बंद। Ah!
मेरे से बोल। मेरा नाग। अबे ओ सपेरे, तू अपने नाग को मरहम लगा रहा है और उधर नागिन ने मुफत लाल का काम तमाम कर दिया। मेरी एक बहन विधवा हो गई है बेवकूफ। अगर 7 दिन के अंदर अंदर तुमने नागिन को खत्म नहीं किया तो हम तुम्हें खत्म कर देंगे। अरे चुप, निकली जालिम बड़ी वो नागिन, कर दी विधवा एक सुहागन। अब ये नागिन बदला लेगी, तुम सब कुत्तों को मार डालेगी। अबे तू हमारा आदमी है नागिन का है? ओ नहीं नहीं नहीं, नहीं। भैया ना हूँ मैं नागिन का, ना मैं तेरा, मैं हूँ एक सपेरा। अगर चाहते हो तुम जिंदा रहना तो मान लो मेरा कहना, जल्दी से जेब में हाथ डालो और माल निकालो। अबे एक तो मेरा जीजा मर गया और ऊपर से तू माल मांग रहा बेवकूफ। अरे जिंदा रखो या मारो लाला, भूखे पेट भजन ना हो गोपाला कुत्ते। ये ले माया माया जा मेरे काली नाग, खत्म कर दे उस नागिन की माँ को। माँ को? उसकी माँ को क्यों? हमने तो बिजली को मारने के लिए पैसे दिए। अरे बेवकूफ ठाकुर, काली जब बिजली की माँ को डसेगा तो बिजली जहर चूसने तो जरूर आएगी ना, बस अपना काम हो जाएगा। काफी अकलमंद हो। आपे ने गया ना? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं हूँ अकलमंद सपेरा, डालूंगा मैं नागिन पर घेरा, देख ना पाएगी वो कल का सवेरा, डालूंगा मैं ऐसा उस पर जाल, इसी बात पर निकाल बेटा थोड़ा माल। ए, 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 भाग गया, माया के चक्कर में सब भाग जाते हैं। Thank you.
बेटी तू? हाँ माँ, मुझे काबू में करने के लिए तेरे पास काली नाग भेजा था, जिसे मैंने खत्म कर दिया। मेरे दुश्मनों को शायद ये नहीं मालूम कि हर ईंट का जवाब मैं पत्थर से दूंगी। राम नाम सत्य है, 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 राम नाम सत्य है। रख दो भाई, रख दो भाई, लोग यहीं रख दो। क्या उल्टा जमाना आ गया है, बिना मुर्दे की अर्थी। साहब साहब, अर्थी आई है, मुर्दे को लेके जाना इसी घर से, तैयार और रेडीमेड। क्या नाम है मुर्दे का? फोकटलाल। हाँ हाँ, वो तो यही रहता है। फोकटलाल? अरे फोकटलाल तो मैं हूँ, मैं क्या तुम्हें मुर्दा नजर आता हूँ? मैं अभी तुझे बताता हूँ। सब तो हम नहीं जानते, हमें तो इस घर का पता मिला है और अर्थी का ऑर्डर। ऑर्डर किसने दिया? एक लड़की ने। क्या नाम है लड़की का? नाम हम तो भैया कुछ नहीं जानते, लेकिन वो एक चिट्ठी दी है। चिट्ठी? ये रही चिट्ठी। फोकटलाल, तेरा आ गया है काल। अगर तू अपनी मौत मरता तो तेरी अर्थी का इंतजाम तेरे घर वाले करते। तू मेरे हाथों यानी बिजली के हाथों मरने वाला है, इसलिए अर्थी के साथ कंधा देने वाले भी भेज रही हूँ। मैं जानती हूँ इस खत को पढ़ते ही तू भागने की कोशिश करेगा, मगर भगवान के कहर से और नागिन के जहर से कोई नहीं बच सकता। अरे साहब, आप अपनी मौत पे खुद ही रो रहे हैं। तुमने किसी को मौत से पहले मरते देखा है? जो मौत से पहले मरता है वो अपनी मौत पे खुद ही रोता है। बेचारा फोकटलाल। भैया, अपनी समझ में कुछ नहीं आता है? अबे जब मेरी समझ में कुछ नहीं आया तो तेरी समझ में क्या आएगा गधे। अरे साहब, हम जाएं कैसे? हम तो आपकी अर्थी उठाने के लिए पैसे ले चुके हैं, हम कभी अपने पेशे से गद्दारी नहीं करते। जा जा, चल भागे से। अब आए हैं तो अर्थी उठाकर ही जाएंगे। क्या? अबे जा। अबे मुर्दा, अबे तेरी। अरे यार, अरे अरे भाई लोग, अरे अरे भाई लोग, इतना मुर्दा भाग रहा है। अरे पकड़ इसको। अरे कहाँ जा रही है? चलेगी, 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 चल साहब, चल साहब। क्या हुआ फोकट? अरे इतने सुबह सुबह क्या हुआ फोकट? मेरी मौत में शामिल होने का न्योता देने आया हूँ। आप लोग मेरी अपनी सारी बिरादरी को इकट्ठा कर लीजिए। मैं कोई लावारिस नहीं हूँ कि गैर मेरी अर्थी उठाए। अरे क्या बकवास कर रहा तू? कहीं तू भांग पीके तो नहीं आ गया? बकवास नहीं जीजाजी, मैं सच कह रहा हूँ। उसने मेरे घर अर्थी भेजी, कंधे देने वाले भेजे, मुझे मौत की धमकी दी है, मौत की। अरे तू उस नागिन की फिकर मत कर, वो कल का सूरज नहीं देख पाएगी। अरे वो सूरज भी देखेगी, वो चांद भी देखेगी, वो तारे भी देखेगी। कुछ नहीं देखूंगा तो मैं नहीं देखूंगा। उस माल निकालो सपेरे के बच्चे के भरोसे के कारण मेरा भाई मारा गया और अब मैं भी नहीं बचूंगा। अगर मुझे कोई बचा सकता है तो एसपी साहब ही बचा सकते हैं। एसपी साहब, एसपी साहब। अरे फोकट सुन, एसपी साहब फोकट। अरे सुन तो, अंदर एसपी साहब है ही नहीं। अभी अंदर क्या उल्लू का बेटा? देख एसपी साहब सामने बैठे हुए और कह रहे हैं कि एसपी साहब नहीं है। एसपी साहब मुझे बचा लीजिए, एसपी साहब मुझे बचा लीजिए, मुझे डाकू बिजली से बचा लीजिए। एसपी साहब वो इच्छाधारी नागिन है, उसने उसने मेरे भाई भूपत को मार डाला, अब वो मेरे पीछे पड़ी है। एसपी साहब मुझे बचा ले। मैं क्या कर सकता हूँ? बिजली अगर सिर्फ डाकू होती तो पुलिस उसका मुकाबला करके आपकी सहायता कर सकती थी, लेकिन वो तो एक मायावी इच्छाधारी नागिन है। आप क्या हो गया, क्या हो गया सर? आप कौन है सर? Ha 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 ha
तुमने सुना ही होगा कि भगवान के कहर से और नागिन के जहर से कोई नहीं बच सकता। सर क्या बात है? ये फोकटलाल अंदर क्या कर रहा है? सर अंदर आपसे ही तो बात कर रहा था। बको मत, मैं तो अभी अभी आ रहा हूँ। लेकिन सर आपकी अंदर से तो आपकी आवाज आ रही थी। देखो नशा करके ड्यूटी पे आते हो। सर सर आई आई फोकटलाल फोकटलाल ओ माय गॉड तो इसका मतलब है नागिन और इंस्पेक्टर मिलकर अपना काम कर गए। अब बारी है हम दोनों में से किसी एक की। ठाकुर जमराज सिंह को मारना इतना आसान काम नहीं। जिस दिन वो मेरे सामने आ गई वो दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। वो किस दिन किस रूप में किस भेष में आ जाएगी ये तुम जान भी नहीं पाओगे यमराज। ठाकुर हमें क्या करना चाहिए? ताकतवर को ताकत से और चालाक को चालाकी से मारना चाहिए। इससे पहले कि वो यहां पहुंचे हमें उसकी दुख तिरफ पे पैर रख देना चाहिए। यमराज सिंह जाओ और उसकी मां को उठा लाओ। वो खुद ब खुद यहां चली आएगी। जय माता दी माई। जय माता दी बाबा। बड़े दिनों बाद आपने दर्शन दिए। रमता जोगी बहता पानी इनका क्या ठिकाना, आज यहाँ कल वहाँ। ये बताओ माई पुजारी कैसे हैं? बाबा जैसे आप छोड़ गए थे वैसे ही हैं। धीरज रखो माई, माता वैष्णो देवी बहुत दयालु है। मैं माँ के दरबार से होकर आया हूँ। ये लो माँ का प्रसाद लो। बाबा आप तो माता के बड़े भक्त हैं, आप ये बताइए माता अपने भक्तों को रुलाती क्यों है? माता रुलाती नहीं, परीक्षा लेती है। जब तक सोना तपता नहीं कुंदन नहीं बनता। केवल भक्तों की परीक्षा नहीं, स्वयं माँ भी ना जाने कितनी परीक्षाओं से गुजरी है। आज मैं तुम्हें माता की कहानी सुनाता हूँ। ये वो दास्ता है जो मिट ना सकेगी। लगती है नई बात मगर है ये पुरानी। तुमको सुनाऊं वैष्णो देवी की कहानी। तुमको सुनाऊं वैष्णो देवी की कहानी। कन्या ने भक्ति भाव से की राम की पूजा। न राम के सिवा उसे भाए कोई दूजा। कन्या की भक्ति में कई सालों गुजर गए। पलकों पे उसके मोम के दाने बिखर गए। हनुमान जी भी मुक्त हुए देख के। भक्ति भक्ति में कितनी होती है भक्तों सुनो शक्ति। तुमको सुनाऊं वैष्णो देवी की कहानी। तुमको सुनाऊं वैष्णो देवी की कहानी।
रोशनी हुई। एक रोज श्री राम जी बूढ़े के भेष में भक्ति को उसकी देख के मौजूद हो गए। कन्या तो खुद में लीन थी वो जान न पाई, लीला वो श्री राम की पहचान न पाई। जब जाने लगे तो पीठ को देखा तो कन्या ने रो रो के श्री राम जी बोला। फिर संतनी ने राम का वचनामृत पिया, श्री राम ने फिर उसको आशीर्वाद ये दिया। हैरान होंगे तीनों लोक तेरे काम से, जानेंगे तुझको लोग वैष्णो देवी नाम से। तू शेर सवारी पहाड़ों वाली बनेगी, सदियों तुझे देवी ये दुनिया याद करेगी। आंखों में चमक आ गई जैसे के बिजलियां, फिर देवताओं ने विधि माता को शक्तियां। देख के भैरों पिदा हुआ, लेकिन वो देवी थी उसे किसका था क्या पता। देवी को उसने बहुत परेशान था किया, तो रोष में माता ने उसका सर उड़ा दिया। भैरों का सर भी माता के चरणों में जा गिरा। देवी से माफी मांग के फिर उसने माँ कहा, माने कहा दर्शन मेरे जो करने आएंगे वो बाद में दर्शन तेरा भी करके जाएंगे।